मध्य प्रदेश समेत रतलाम जिले में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आधी रात के बाद शुरू हुई मूसलाधार बारिश रविवार सुबह भी जारी रही। बारिश की गति इतनी तेज थी कि 3 घंटे में ही 2 इंच पानी बरस गया। वहीं ढोलावार डैम में पानी की आवक बढ़ने से डैम के 2 गेट खोले गए। दरअसल बीते 24 घंटों में कुल 3 इंच बारिश दर्ज की गई है। रतलाम में अब तक कुल 36 इंच बारिश हो चुकी है। तेज बारिश ने शहर की तमाम सड़कों को पानी में डुबो दिया है। न्यू रोड पर 1 से 1.5 फीट पानी भरा हुआ है। यही हाल 2 बत्ती इलाके का भी है। तमाम नदी नाले उफान पर हैं। शहर की निचली बस्तियों में भी पानी घुसने की खबर है। ढोलावाड़ डैम के प्रभारी SK मिश्रा के मुताबिक शनिवार को जलाशय में पानी की आवक बढ़ने से पहले बांध का 1 गेट खोला गया था। कुछ देर बाद दूसरा गेट भी खोला गया था, लेकिन तब गेट केवल 10 इंच तक खोले गए थे। शाम को आवक कम होने से 1 गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन आधी रात के बाद हुई तेज बारिश के चलते सुबह 6 बजे डैम के 2 गेट 1-1 मीटर यानी पूरे खोल दिए गए। हालांकि बारिश का ये आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि की बारिश से करीब 2.5 इंच कम है। वैसे बारिश का ये आंकड़ा औसत आंकड़े को पार कर चुका है। इस अवधि तक रतलाम की औसत बारिश 34 इंच मानी जाती है। पूरे जिले की बात की जाए तो जिले में बीते 24 घंटों में औसतन 1.5 इंच बारिश हुई है। इसे मिलाकर जिले में अब तक कुल 36 इंच औसत बारिश हो चुकी है। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।